नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। RSMSSB राजस्थान में लाइब्रेरियन, स्टेनोग्राफर और लैब असिस्टेंट के 2985 पदों पर सरकारी नौकरी का बड़ा मौका है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का 12वीं पास होना जरूरी। इसके अलावा आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बोर्ड ने न्यूनतम आयु सीमा पदों के अनुसार अलग अलग तय की है, जिसकी विस्तार में जानकारी ऑफिशियल लिंक पर जाकर ली जा सकती है। आवेदन करने से पहले पद के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के पदों की कुल संख्या 1085 है। उम्मीदवार 15 जुलाई 2018 सेकंड लेकर 10 अगस्त 2018 के तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है। परीक्षा शुल्क श्रेणी के हिसाब से अलग अलग निर्धारित की गई है। इस पद के लिए वेतन पे मैट्रिक्स लेवल रिंग 10 के आधार पर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। लाइब्रेरियन पद। लाइब्रेरियन पद पर 700 भर्तियां होनी हैं। TSP के लिए 215 पद निर्धारित किए गए हैं तथा नॉन TSP के लिए 485 पद निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थियों को 27 जुलाई 2018 सेकंड पहले आवेदन करें। इस पद के लिए 12वीं पास होना जरूरी। लाइब्रेरियन पद पर वेतन पे मैट्रिक्स लेवल रिंग 10 के आधार पर दिया जाएगा। लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट के पदों की कुल संख्या 1200 है। इस पद के लिए शैक्षिकी योग्यता 12वीं पास रखी गई है। अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लैब असिस्टेंट के इस पद पर वेतन पे मैट्रिक्स लेवल रिनाट के हिसाब से ही दिया जाएगा। इस पद के लिए उम्मीदवार 18 जुलाई 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। इस लिंक पर आपको नौकरी से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। www.rsmssb.rajasthan.gov.in। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई, और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।